आप सबों को नमस्ते। मैं दीपक कुमार तिवारी, संस्कृत शिक्षक, एक बार पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा आठवीं के प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर। इससे पहले हम सब प्रथम पाठ के पांच श्लोकों का अन्वय एवं भावार्थ सहित अध्ययन कर चुके हैं। अब मैं आप सबों के समक्ष सुवचनानी पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह है चैप्टर वन के अभ्यास प्रश्न। पाठ का नाम मधुरानी वचनानी। इसमें जो पांच श्लोक हम सब पढ़े थे वो श्लोक इस प्रकार से थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक था, अधमा धनम् इच्छन्ति धनम् मानम् च मध्यमा, उत्तमा मानम् इच्छन्ति मानो हि महताम् धनम्। तीसरा श्लोक था, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। चौथा श्लोक था, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। और पांचवा श्लोक था, जिस श्लोक में सन्मित्र के लक्षण को बताया गया था, पापान निवारयति जो जयते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति, आपम आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदम प्रवदन्ति संतः। तो इन श्लोकों के आधार पर अब आप सबों से अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, पाठम पठित्वा बदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पढ़ करके और आप लिखें शुद्धम या अशुद्धम। यदि सेंटेंस करेक्ट है तो आपका आंसर होगा शुद्धम, और यदि पढ़ने के उपरांत आपको यह वाक्य त्रुटिपूर्ण लगे तो आपका उत्तर हो जाएगा अशुद्धम। श्लोक के आधार पे इन प्रश्नों का उत्तर हम सबों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1.1, सत्संगति कीर्तिम प्रसारयति, फ्रेंडशिप विथ नोबेल पीपल। सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति हमें कीर्ति प्रसारयति, प्रसारित करती, हमारे जस को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरे श्लोक में हम सब इसको पढ़े हैं, जो श्लोक था, धिया जाड्यम हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दिशति। इस श्लोक में आप देखिए है ना, सत्संगति कृतिम प्रसारयति, तीसरे सेंटेंस में। तो हम लिखेंगे सत्संगति कृतिम प्रसारयति, इसका उत्तर लिखेंगे शुद्धम। क्या लिखेंगे? शुद्धम। पॉइंट टू, धैर्यवंता जना सत्य मार्गम त्यजन्ति, धैर्यवान आदमी सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं। नहीं, यह वाक्य गलत है। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यवान आदमी सत्य के मार्ग को कदापि नहीं छोड़ते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अशुद्धम। तीसरा है, कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणं न भवतु, ये प्रथम श्लोक के आधार पर दिया हुआ है। कवि चाहता है कि सर्वेषां कल्याणं न भवतु, सबका कल्याण न हो। बिल्कुल गलत है ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक में कवि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कामना करते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणं न भवतु, तो ये अशुद्धम है, गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा अशुद्धम। पॉइंट फोर, उत्तमा जना धनम इच्छन्ति, बच्चे बताएं इसे,
ये सही है या गलत है, उत्तमा जना धनम इच्छन्ति, ये दूसरे श्लोक के आधार पर है कि अधमा धनम इच्छन्ति, जो लो मेंटलिटी के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो धन की कामना करते हैं, और मिडिल क्लास के लोग धनम मानम च मध्यमा, मिडिल क्लास के लोग धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं, और उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, तो ये चौथा पॉइंट भी गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा अशुद्धम। चौथे पॉइंट को लिखेंगे अशुद्धम। एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करें। अधमा अधम आदमी धन की कामना करता है, और मिडिल क्लास का आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी धनम मानम च, धन और सम्मान दोनों चाहता है, परंतु उत्तमा मानम इच्छन्ति नैव धनम इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, क्योंकि सबसे बड़ा धन सम्मान ही है। पांचवा पॉइंट है सन्मित्रम हिताय जोजयते, कि सच्चा मित्र हमें हितकारी कार्य में जोड़ता है, ये पांचवें श्लोक के आधार पे है। पापान निवारयति जोजयते हिताय, कि जो सच्चा मित्र है वह पाप कर्म से बचाता है और हितकारी कार्य में जोड़ता है। सन्मित्रम हिताय जोजयते, तो ये शुद्धम है, सही है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा शुद्धम। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या दो में दिया हुआ है मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानु पूरयन्तु, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को भरें। प्रश्न संख्या दो, इसमें पांच पॉइंट हैं और इसका जो मंजूषा है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। गच्छतु इच्छन्ति प्रकटयति भवन्तु करोति, अब जो है सो फिल इन द ब्लैंक्स हम सब भरेंगे। सर्वे सुखिना डै सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, अधमा धनम इच्छन्ति, अधमा धनम इच्छन्ति, सत्संगति पुंसाम किम न करोति, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। श्लोकों के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सर्वे सुखिना भवन्तु अधमा धनम इच्छन्ति, सत्संगति पुंसाम किम न करोति, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। अब हम सब प्रश्न संख्या तीन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या तीन में है मंजूषायाम उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु, मंजूषा हेल्प बॉक्स से उचित अर्थ को चुनकर लिखिए। क्या क्या मंजूषा में शब्द है, तो रोग रहिता धैर्यवंत सज्जना वाण्याम और हृदयम। इधर देखेंगे प्रश्न संख्या तीन, चेत निरामया वाची धीरा और संत। अब हम जो है सो उचित अर्थ को चुनकर लिखेंगे। चेत चेत अर्थात हृदयम, चेत हृदयम निरामया रोग रहिता वाची वाची वाण्याम धीरा धैर्यवंत संत सज्जना। एक बार फिर से मिला लें, चेत हृदयम निरामया रोग रहिता वाची वाण्याम धीरा धैर्यवंत संत सज्जना। प्रश्न संख्या चार, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें, बोले या लिखें, वदन्तु लिखन्तु च, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। एंसरिंग विथ वन वर्ड, एक शब्द में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। ऐसे प्रश्नों को टू द पॉइंट उत्तर लिखना चाहिए। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति, प्रश्न है कि सन्मित्र सच्चा मित्र कस्मात् निवारयति किससे बचाता है, तो पांचवें श्लोक का जो प्रथम पंक्ति है उसी में इस प्रश्न का उत्तर है कि सन्मित्रम कस्मात् निवारयति, तो सन्मित्रम पापात् निवारयति,
वह श्लोक में लिखा ना पापान निवारयति, सन्मित्रम पापान निवारयति। तो यहाँ पापान निवारयति और यहाँ है आपको सन्मित्रम कस्मात निवारयति। तो पापान आपको वहाँ बताए थे पढ़ाने के समय कि प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो गया है। तो इसका उत्तर जब हम लिखेंगे तो प्रथम वर्ण में ही लिखेंगे सन्मित्रम, क्योंकि प्रश्न आपसे कस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन में पूछा जा रहा है, इसलिए आपका सारगर्भित उत्तर होगा सन्मित्रम पापात निवारयति। पापान निवारयति नहीं लिखेंगे वहाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। सन्मित्रम कस्मात निवारयति, क्योंकि पंचमी एक वचन में आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो जिस विभक्ति में आपसे प्रश्न पूछा जाए आपका उत्तर भी उसी विभक्ति में होना चाहिए। पॉइंट टू, के निंदंतु यदि वा अस्तुवंतु, कह कऊ के अर्थात प्रथमा बहुवचन में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि के निंदंतु यदि वा अस्तुवंतु, कौन निंदा करें या स्तुति करें। तो इसका वन वर्ड में एग्जैक्ट आंसर होगा नीति निपुणा, नीति निपुणा, निंदंतु नीति निपुणा। श्लोक में भी आया हुआ है कि निंदंतु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवंतु, अर्थात जे जना नीति पालने निपुणा संति ते निंदंतु अस्तुवंतु वा। का पापम अपाकरोति, ये स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा जा रहा है। कह का स्त्रीलिंग का मीन्स कौन, कौन पापम अपाकरोति, कौन पाप को दूर करती है। अब का अर्थ यहाँ पे स्त्रीलिंग में, इसलिए करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्संगति, क्योंकि सत्संगति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो का पापम अपाकरोति सत्संगति, वन वर्ड में आंसर होगा इसका। इसी प्रश्न को अगर कंप्लीट सेंटेंस आंसर में लिखना हो तो लिख देंगे सत्संगति पापम अपाकरोति। पॉइंट फोर, अधमा किम इच्छन्ति, अधमा किम इच्छन्ति, वन वर्ड में आंसर बताएं बच्चे। अधमा किम इच्छन्ति, तो अधमा धनम इच्छन्ति, वन वर्ड में आंसर हो जाएगा अधमा धनम इच्छन्ति। पांचवा है सर्वे की दृशा संतु, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पहला श्लोक है सर्वे भवंतु सुखिना, अगर यहाँ पे भवंतु रहता तो सुखिना लिखते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सर्वे की दृशा संतु, तो सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु डैश। अब बताएं क्या आंसर होगा इसका, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, कीदृशा भवंतु निरामया, और सर्वे डैश पश्यंतु। अगर उसी श्लोक से तीसरे चरण को अगर उठा दिया जाए और प्रश्न बना दिया जाए कि सर्वे कीदृशा पश्यंतु, तो भद्राणी कीदृशानी पश्यंतु, तो भद्राणी पश्यंतु। सर्वे कीदृशा संतु सर्वे निरामया संतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब हम बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या पांच, जिसका उत्तर हम सबों को पूर्ण वाक्य में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इंस्ट्रक्शन है, निर्देश आप सभी के लिए, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य न वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट सेंटेंस में पूरे वाक्य में लिखें और बोलें। संता कस्य लक्षणं प्रवदन्ति, संता सज्जना कस्य लक्षणं प्रवदन्ति, संत लोग किसके लक्षण बताते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस आंसर हो जाएगा संता सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति, कि संत लोग सन्मित्र के सच्चे मित्र के लक्षण को बताते हैं। प्रश्न संख्या दो, जिसका उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है, धीरा कुता पदम न प्रविचलंती, तो उत्तर हो जाएगा इसका धीरा कुता फ्रॉम वेयर, कहाँ से पैर नहीं विचलित करते। तो इसका उत्तर होगा धीरा न्यायात पथा पदम न प्रविचलंती, धैर्यवंत जना न्यायात पथा पदम न प्रविचलंती। प्रश्न संख्या तीन, मध्यमा जना किम इच्छन्ति, श्लोक याद ही होगा श्लोक संख्या दो, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अब आप स्वयं उत्तर लिख सकते हैं इस प्रश्न का,
मध्यमा जना किम इच्छन्ति, मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति। श्लोक संख्या 2, जिन बच्चों को याद होगा वो सुगमता पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति और उत्तमा केवलम मानम इच्छन्ति। प्रश्न संख्या 4, सत्संगति कस्या जाड्यम हरति, सत्संगति सज्जनों की संगति कस्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, सर्वनाम पद यह कस्या स्त्रीलिंग में, किसकी जड़ता को मूर्खता को हरण कर लेती है। सत्संगति किसकी जड़ता को मूर्खता को हरण कर लेती है, दूर कर देती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सत्संगति धिया जाड्यम हरति या सत्संगति बुद्धे जाड्यम हरति, दोनों उत्तर हो सकते हैं इसके। धिया या स्लेश लगा करके हम बुद्धे जाड्यम हरति भी लिख सकते हैं। सत्संगति कस्या जाड्यम हरति, सत्संगति धिया जाड्यम हरति या सत्संगति बुद्धे जाड्यम हरति। प्रश्न संख्या 5, चित्तम का प्रसादयति, प्रसादयति प्रसन्नम करोति, चित्तम हृदयम का किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप है, ये हृदय को कौन प्रसन्न करती है, तो चित्तम सत्संगति प्रसादयति। अब यहाँ पे करोति नहीं लिखेंगे, यद्यपि यहाँ लिखा हुआ है करोति तो इसको नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर जो है यही कंप्लीट हो जाएगा, चित्तम सत्संगति प्रसादयति, क्योंकि वही प्रश्न ही आपसे पूछा गया है कि हृदय को कौन प्रसन्न करती है, तो चित्तम सत्संगति प्रसादयति अर्थात हृदय को सत्संगति प्रसन्न करती है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, मोटे पदों को चुनकर प्रश्न बनाएं, उत्तमा मानम इच्छन्ति, तो प्रश्न बनाएंगे उत्तमा मानम अर्थात किम, उत्तम आदमी मान चाहते हैं, तो उत्तम आदमी क्या चाहते हैं, क्या को संस्कृत में किम कहते हैं, उत्तमा किम इच्छन्ति, और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएं। नीति निपुणा स्तुवंतु निंदंतु वा, नीति निपुणा ये प्रथमा बहुवचन में है, इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा के स्तुवंतु निंदंतु वा, नीति निपुणा अस्तुवंतु निंदंतु वा, प्रश्न निर्माण में हो जाएगा कह कौ के अस्तुवंतु निंदंतु वा और क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस, सत्संगति दीक्षु कीर्तिम तनोति, सत्संगति दीक्षु दिशाओं में, सप्तमी विभक्ति में है ये, सत्संगति दिशाओं में कीर्तिम प्रसारित करती है, फैलाती है। अब दीक्षु से आपको प्रश्न बनाना है, हो जाएगा सत्संगति कहाँ कीर्ति फैलाती है, कहाँ वेयर, तो संस्कृत में इसको कुत्र बोलते हैं। अब आपका उत्तर हो जाएगा सत्संगति कुत्र कृत्रिम तनोति और सेंटेंस के एंडिंग पे प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है सन्मित्रम पापात निवारयति, सन्मित्रम पापात निवारयति, तो सन्मित्रम पापात निवारयति, अब ये पंचमी विभक्ति में आपसे पूछा गया है, तो आपका ये हो जाएगा कस्मात, कह कौ के कम कौकान के नकाभ्याम कई कस्मय काभ्याम के भ्या कस्मात काभ्याम के भ्या पापात, तो प्रश्न बन जाएगा कि सन्मित्रम कस्मात निवारयति, सच्चा मित्र किससे रक्षा करता है, यही प्रश्न है हमारे। प्रश्न निर्माण को एक बार फिर से समझे, उत्तमा मानम इच्छन्ति, देन उत्तमा किम इच्छन्ति, नीति निपुणा स्तुवंतु निंदंतु वा, के स्तुवंतु निंदंतु वा, सत्संगति दीक्षुम कीर्तिम तनोति, सत्संगति कुत्र कीर्तिम तनोति, सन्मित्रम पापात निवारयति, सन्मित्रम कस्मात निवारयति और प्रश्न सूचक चिन्ह। अब
आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, उचितम भावम नाइन इति चिन्हे न चिन्हितम कुर्वन्तु, कि उचित भाव को सही क्या निशान लगाएं। चेता प्रसादयति, इसके 3 भाव दिए हुए हैं जो उपयुक्त सुस्पष्ट भाव है उसको हम ठीक करेंगे। मना प्रसन्नम न भवति, ये नहीं होगा, गलत है। मना दुखी भवति चेता प्रसादयति का यह अर्थ है, मना दुखी भवति प्रसादयति अर्थात प्रसन्नम भवति, लेकिन कहा कि चित मना दुखी भवति, ये भी गलत है। और तीसरा है चित्तम प्रसन्नम भवति, चित्तम अर्थात हृदयम किम भवति प्रसन्नम भवति, तो यही इसका सही भाव है, हम इसको टिक करेंगे। फिर से बच्चे समझे, चेता अर्थात हृदयम प्रसादयति प्रसन्नम करोति। अब 3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ, मना प्रसन्नम न भवति निगेटिव सेंटेंस है ये, मना दुखी भवति मन दुखी होता है, ये भी नहीं होगा उत्तर, और तीसरा जो विकल्प बच गया हमारे पास वह है चित्तम हृदयम प्रसन्नम भवति, यह सही है, इसलिए हम इसको सही का टिक लगाएंगे। ख नंबर है नीति निपुण, नीति निपुण इसका अर्थ है जह राजनीतिम जानाति, जो राजनीति जानता है, नहीं ये गलत है, जह व्यवहारे कुशला अस्ति, जो व्यवहार में कुशल है। और तीसरा पॉइंट है जह राजनीतिम पाठयति, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है राजनीति विज्ञान पढ़ाता है उसे हम नीति निपुण कहेंगे। तो पहला वाला भी गलत है और ये तीसरा वाला भी गलत है। अब है कि नीति निपुण शब्द का अर्थ हो गया जह व्यवहारे कुशला अस्ति, जो व्यवहार में कुशल है उसे हम कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का अभ्यास प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को, आप सभी बच्चों को यह अभ्यास समझ में आया होगा, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, आप सबों के लिए लाभदायी हो, फलदायी हो, ढेर सारी शुभकामना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू।